दिल्ली में लगभग तस्वीर साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी 63 सीटें और बीजेपी 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। साल 2020 का विधानसभा चुनाव भी पस्त पड़ चुकी कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं जगा पाया। एक बार फिर कांग्रेस के खाते में शून्य दिख रहा है। 1998 के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस के उभार की शुरुआत हुई थी। इस चुनाव में महंगाई एक प्रमुख मसला था और ऐसा कहा जाता है कि प्याज की महंगाई ने बीजेपी की सरकार गिरा दी थी। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। शीला दीक्षित के उभार की शुरुआत भी यहीं से हुई और वह पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 70 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 52 सीटें मिली, उसे करीब 48% वोट मिले। सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाली बीजेपी यहां हार गई और उसे महज 15 सीटें मिली, साथ ही बीजेपी को 34% वोट मिले। साल 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर जबरदस्त जीत मिली। उस चुनाव में कांग्रेस ने 47 सीटें हासिल कर एक बार फिर शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। दिसंबर 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 48.13% वोट हासिल किए थे। दूसरे स्थान पर रही भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें और करीब 35% वोट हासिल किए थे। साल 2008 के चुनाव में शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जीत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस को कुल 43 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस को करीब 40% वोट भी मिले थे। 2013 के चुनाव में बाजी पूरी तरह से पलट गई। कॉमनवेल्थ घोटाले की गूंज और अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी के उदय ने माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। विधानसभा के नतीजे त्रिशंकु रहे। भारतीय जनता पार्टी को 31, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। बीजेपी को करीब 33%, आप को करीब 29% और कांग्रेस को करीब 24% वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।